हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी के तीसरे सेट का अंतिम पार्ट मतलब पार्ट थ्री देखेंगे, जिसमें कि कुल 50 प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रिकार्डो, बीएस मिन्हास, यूनार मिडल, अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं? 101 का सही उत्तर दीजिए। 101 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीएन मिन्हास। दूसरा प्रश्न है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, निर्गमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर, कुल प्रयुक्त पूंजी पर या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? 102 का सही उत्तर। 102 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिदत्त पूंजी पर, ठीक है, सब्सक्राइब्ड मनी पर। कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी को सही तरीके से परिभाषित करता है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर चूज करना है। 103 का सही उत्तर। 103 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी विशेष वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है जीडीपी। भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी, अनैच्छिक, चक्रीय, प्रच्छन्न, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा? 104 का सही उत्तर, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में। 104 का सही उत्तर है ऑप्शन ई, एक से ज्यादा, मतलब कृषि के क्षेत्र में जो है मौसमी और प्रच्छन्न दोनों तरह की बेरोजगारी जो है कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी किसको कहते हैं? जिसमें कृषि कार्य खत्म होते हैं, इसमें लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जैसे कृषि कार्य मतलब जुताई, बुआई, कटाई इत्यादि। अनैच्छिक बेरोजगारी किसको कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तो तैयार है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, उसे अनैच्छिक या खुली बेरोजगारी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव, मतलब अगर उत्पादन ज्यादा हो रहा है, अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ जा रही है, या उत्पादन कम होने लगा, मंदी की अवस्था आ गई, उस समय जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं उसे हम लोग चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। जैसे मान लिया जाए किसी खेत में या किसी जगह पर काम करने के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत है और हमने 5 लोग लगा रखे हैं, तो बाकी जो 2 लोग हो गए वो 2 लोगों की उत्पादकता शून्य हो जाएगी, इसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। 5वां है, किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए है उनकी आय को कुल जनसंख्या से गुना करके, गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, सरकार द्वारा प्राप्त कुल कर की राशि को कुल जनसंख्या से भाग देकर, इनमें से कोई नहीं, एक से ज्यादा? 105 का सही उत्तर। 105 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, औसत आय कैसे निकालते हैं? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108, 112, 122, 212 या इनमें से कोई नहीं, एक से ज्यादा? 106 का सही उत्तर। 106 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 के तहत, ठीक है। और बजट को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर द्वारा तैयार किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक सौ सात का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, ठीक है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर, बजटीय घाटा कुल राजस्व प्राप्ति में से अधिक व्यय, राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अधिशेष, प्राथमिक घाटा ये हो गया राजस्व घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त अधिशेष। अब आइए इन टर्म्स के बारे में जानते हैं। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो उस स्थिति को बजटीय घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजकोषीय घाटा
सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर पूर्व प्राप्तियों का अंतर है। सकल राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, या कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश प्राप्तियां। राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। सकल प्राथमिक घाटा ये बराबर होता है सकल राजकोषीय घाटा और माइनस निवल ब्याज दायित्व। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा से संबंधित कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, लेखा इकाई, मूल्य संचय, साख सृजन, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। 108 का सही उत्तर। तो 108 का सही उत्तर है ऑप्शन ई। ठीक है, कौन कौन इसके कार्य हैं? विनिमय का साधन, लेखा इकाई और मूल्य संचय। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1979, 1969, 1989, 1959 या इनमें से कोई नहीं। 109 का सही उत्तर। हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1969 में। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, जेम्स विल्सन, विलियम जोन्स, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 110 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन। ठीक है, और पहली बार भारत में बजट कब शुरू किया गया था? 1860 में। निम्न राज्यों में से कौन कौन से राज्य उनके गठन वर्ष सुमेलित हैं? एक तरफ राज्य दिए गए, एक तरफ गठन वर्ष दिया गया है, आपको सही कूट का चयन करना है 111 में। का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। सही है, ठीक है, 1, 3 और 4। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहां से लिया गया? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। 112 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कनाडा से लिया गया। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है? आपात उपबंध। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन। सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से, लाभ के पद संबंधी विवाद से, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 113 का सही उत्तर। 113 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंधों से। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, ए के चंद्रा, बी एन रेड्डी, पीवी राजमन्नार, या इनमें से कोई नहीं। 114 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केसी नियोगी। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, लोक लेखा समिति, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। 115 का सही उत्तर। 115 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दिल्ली को राज्य का दर्जा देने से, दल बदल कानून से, नागालैंड को राज्य का दर्जा देने से, मताधिकार के लिए उम्र सीमा तय करने से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 52 का। 52 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दल बदल कानून से। ठीक है, और इसी के तहत 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, संसद के किसी सदन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 117 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 118 का सही उत्तर। 118 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, और 21 क के तहत क्या किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है, जो है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता,
भ्रमण मतलब देश के किसी भी कोने में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, और देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन, या इनमें से कोई नहीं? 119 का सही उत्तर, 119 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 दिन। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों का है? कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, मद्रास, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? 120 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी। ठीक है, इसके अंदर में गुवाहाटी मतलब असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के क्षेत्र आते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल, अरुण, या इनमें से एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं? 121 का सही उत्तर, 121 का सही उत्तर है ऑप्शन ई। ठीक है, एक से ज्यादा मतलब आंतरिक ग्रह कौन कौन है जो सूर्य के नजदीक हैं और चट्टानों से बने हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ठीक है, इसके अलावा होते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह वह होते हैं जो सूर्य से दूर होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं और गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जैसे कि इनको छोड़ के बाकी चारों, बृहस्पति, शनि, यूरेनस मतलब अरुण, नेपच्यून मतलब वरुण। भारत के किस यामयोत्तर मतलब देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है? 82.5 डिग्री पूरब, पश्चिम, 81.5 डिग्री पूरब, या 83.5 डिग्री पश्चिम? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 122 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 82 डिग्री और 30 मिनट पूरब को भारत का स्थानीय मान माना जाता है। ठीक है, भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। इसी को ठीक करने के लिए आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इसी के चलते भारत में 82.5 डिग्री पूर्व मतलब 82 डिग्री और 30 मिनट को मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, नैनी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? 123 का आपको सही उत्तर देना है। 123 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महासागरीय प्रपटी सिलिका और आयरन से बनी हुई है। गलत है, ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी हुई है। ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसीलिए इसे कहते हैं सीमेंट। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन, अचारों की फसलों को उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, गहन निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, या इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा? 124 का सही उत्तर, 124 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिश्रित कृषि। ठीक है, और यह किया जाता है यूरोप, यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, पॉइंट पेड्रो, या इनमें से कोई नहीं? 125 का सही उत्तर, 125 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसी को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और यह 2004 के सुनामी में जलमग्न हो गया। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, ये सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गुहर मोती, पश्चिमी है गुहर मोती, जो कि गुजरात में है। ठीक है, और सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1972, 82, 73, 92, इनमें से कोई नहीं? 126 का सही उत्तर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1973 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, और भारत और नेपाल में विश्व के 2/3 भागों का आवास है। कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? रिहंद परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना,
कोसी परियोजना या इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा? 128 का सही उत्तर दीजिए। 128 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, और यह पंजाब में सतलज नदी पर बनी हुई भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, और इससे लाभान्वित राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, और इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? 129 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब को चुना गया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने दिया? सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, इनमें से कोई नहीं? 130 का सही उत्तर दीजिए। 130 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर द्वारा। ठीक है, और ब्लैक होल शब्द जो है अमेरिका के जॉन व्हीलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, व्हीलर। निम्न में से कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण में सोनोरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है? कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, डेक्कन का पठार, तिब्बती पठार या इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा? 131 का सही उत्तर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलोराडो का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य नहीं है? ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा? 132 का सही उत्तर, 132 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये तीनों ही टॉप थ्री राज्य हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और तब राजस्थान, और सोयाबीन एक खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ताम्र अयस्क उत्पादन में शीर्ष पर है, सबसे ऊपर? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, ये इनमें से कोई नहीं है एक से ज्यादा? 133 का सही उत्तर, 133 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर ताम्र अयस्क भंडारण की बात की जाए तो सबसे ऊपर कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, ताम्र अयस्क भंडार में सबसे ऊपर है राजस्थान, तब झारखंड। निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, नील एडगर, टिम क्रेसवेल, आर्यभट्ट, इनमें से कोई नहीं? 134 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स को। शिव समुद्रम झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? महानदी, चिनाब, कावेरी, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं? 135 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर। बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून कब से लागू किया गया? फरवरी 2014, फरवरी 2015, अप्रैल 2014, अक्टूबर 2014। 136 का सही उत्तर, 136 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फरवरी 2014 में। बिहार में कहाँ उत्खनन से प्राचीन विश्वविद्यालय का पता चला है? केसरिया, पूर्वी चंपारण, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, तेल्हारा, नालंदा, बोधगया, गया या इनमें से कोई नहीं? 137 का सही उत्तर, 137 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेल्हारा, नालंदा में। बिहार में जनता दरबार के बदले लोक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई 15 दिसंबर 2016, 2 अक्टूबर 2016, 5 दिसंबर 2016, 1 दिसंबर 2016 या इनमें से कोई नहीं? 138 का सही उत्तर, 138 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 दिसंबर 2016 से। भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार बिहार में कुल अभिलिखित वन मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? 6,493 वर्ग किलोमीटर, 7,321 वर्ग किलोमीटर, 6,123 वर्ग किलोमीटर, 6,877 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? 139 का सही उत्तर, 139 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6,877.41 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.3% आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के 14 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा? 140 का सही उत्तर,
140 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, शामिल जिले हैं गया, पटना और मुजफ्फरपुर, जिसमें कि पटना का स्थान है 5वां सबसे प्रदूषित शहर में। ठीक है, गया का स्थान है 4था और मुजफ्फरपुर का स्थान है 9वां। बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 नवंबर, 1 दिसंबर, 11 अक्टूबर, 12 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं। 141 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह मनाया जाता है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। बिहार के मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे, सतीश प्रसाद सिंह, रामसुंदर दास, दरोगा प्रसाद राय, चंद्रशेखर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। 142 का सही उत्तर, 142 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है, ये 28 जनवरी 1968 से लेकर 1 फरवरी 1968 तक रहे। बिहार का कौन सा मंदिर 2014 में 1 अरब आमदनी वाला हो गया? महावीर मंदिर पटना, महाबोधि मंदिर बोधगया, सूर्य मंदिर मतलब देव मंदिर औरंगाबाद, थाबे गोपालगंज, या इनमें से कोई नहीं। 143 का सही उत्तर, 143 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर बोधगया। बिहार सरकार ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? ONGC, NTPC, सेल, गेल, इनमें से कोई नहीं। 144 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, NTPC के साथ। ठीक है, और इसने बिहार में पावर सेक्टर की स्थिति को सुधारने के लिए NTPC के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, और बिहार में जो है 3 थर्मल पावर है, BTPS मतलब बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, उसके बाद कांटी बिजली उत्पादन घर, उसके बाद एक नबीनगर औरंगाबाद में है, नबीनगर पावर जनरेशन कंपनी। ठीक है, NTPC जैसा कि आपको मालूम है, NTPC 7 महारत्नों में से एक महारत्न कंपनी है। बिहार में तृतीय कृषि रोड मैप की लागत है 2.5 लाख करोड़, 90,000 करोड़, 1.19 लाख करोड़, 1.54 लाख करोड़, ये इनमें से कोई नहीं। 145 का सही उत्तर, 145 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1,54,000 करोड़ रुपए तृतीय कृषि रोड मैप की लागत है। इसका कार्यकाल होगा 2017 से लेकर 2022 तक, और इसका उद्घाटन किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, और कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई थी 2008 में। आर्थिक हल युवाओं का बल निश्चय योजना कब शुरू की गई? 15 नवंबर 2016, 2 अक्टूबर 2016, 14 नवंबर 2016, 1 अप्रैल 2017, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है, आर्थिक हल युवाओं को बल, ठीक है, नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजनाओं में से एक है। 146 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई। इसी के तहत युवाओं को आगे पढ़ने के लिए बैंक से लोन की व्यवस्था की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान चांसलर हैं सुनैना सिंह, विजय पी भटकर, संजीव दीक्षित, के प्रसन्ना, या इनमें से कोई नहीं। 147 का सही उत्तर, 147 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजय पी भटकर। ठीक है, और वाइस चांसलर कौन है? सुनैना सिंह, उप चांसलर। बिहार में खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दिया गया, ऐसा करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य बना? 12वां, 11वां, 8वां, 7वां, इनमें से कोई नहीं। 148 का सही उत्तर, 148 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12वां राज्य बना। खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक का मतलब है कि आप पूरा पैकेट खरीद के पी सकते हैं, मतलब खुले में एक दो सिगरेट नहीं पी सकते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI की खुदाई में पाल काल के बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें मिली हैं। लखीसराय जिले के जयनगर पहाड़ी पे, गया के बराबर पहाड़ी पे, पारसनाथ की पहाड़ी पे, नवादा की पहाड़ी पे, या इनमें से कोई नहीं। 149 का सही उत्तर, 149 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखीसराय जिले के जयनगर पहाड़ी पर। डिजिटल इंडिया के तहत बिहार के प्रत्येक पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई है? BSNL, एयरटेल, रिलायंस जियो, आइडिया, या इनमें से कोई नहीं। 150 का सही उत्तर,
150 का सही उत्तर है ऑप्शन ए BSNL को, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड को। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो इसी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।